गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन एट योर होम एंड डूइंग योर होमवर्क प्रॉपरली एंड रेगुलरली। स्टूडेंट्स, जो हम टेस्ट ले रहे हैं, आप सिक्स के जियोग्राफी का चैप्टर, फोर्थ चैप्टर थर्ड का जो हमने टेस्ट लिया है, उसमें आप आगे जो भी टेस्ट लेंगे उसमें और अच्छी तैयारी के साथ टेस्ट देंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर फोर्थ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स का फर्स्ट पार्ट आपके पास सेंड किया था। आई होप आपने लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से सुना होगा। स्टूडेंट्स, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में हमने साउथ अफ्रीका के एक इवेंट के बारे में रीड किया था। माया नायडू, जो एक 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल्स जो टाउन जोहान्सबर्ग में रह रही थी, और एक लड़का हेक्टर पीटरसन जिसको पुलिस के द्वारा मार दिया गया था। तो इसके बारे में हमने जो एपार्थियर्स लॉ थे उसके बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में हमने रीड किया। नेल्सन मंडेला के द्वारा की गई फोर्ट अगेंस्ट द एपार्थियर सिस्टम, तो उसने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका के अंदर जो एपार्थियर्स लॉ थे उनको ख़त्म करने के लिए। पार्टिसिपेशन, भागीदारी क्या है लोगों की, पीपल जो पार्टिसिपेशन करते हैं इन द गवर्नमेंट्स की, सरकार के अंदर कैसे हम भागीदारी कर सकते हैं, इसके बारे में हमने रीड किया। टुडे वी स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर फोर्थ, अदर वेजेज ऑफ पार्टिसिपेट, यानी कि दूसरे तरीके भागीदारी के कौन कौन से हैं, जिन तरीकों से हम गवर्नमेंट्स के वर्क्स में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग कर सकते हैं। इलेक्शन आर यूजली हेल्ड वंस इन 5 ईयर्स, और जो इलेक्शन चुनाव करवाए जाते हैं वो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद किए जाते हैं। बिसाइड वोटिंग देर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट्स, तो यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए या पॉलिसीज में बदलाव करने के लिए जो सबसे पहला तरीका वो क्या है, वोटिंग, वोट डालने से हम सरकार में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करते हैं, यानी कि हम सरकार के कामों में भागीदारी लेते हैं या पार्टिसिपेटिंग करते हैं। पीपल पार्टिसिपेट्स बाई टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी कि जो जनता है वो सरकार के जो डिसीजन हैं या जो पॉलिसीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है, इंटरेस्ट लेने के लिए, यानी कि उसके कामों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कब कर रही है। तो इन सब बातों में जो जनता है अपना इंटरेस्ट दिखाएगी तो तब हम अपनी पार्टिसिपेट की अच्छी तरह से उसमें कर सकते हैं, सरकार के कार्यों में पार्टिसिपेटिंग कर सकते हैं। बाय क्रिटिसाइज इट व्हेन रिक्वायर्ड, जब अगर ज़रूरत पड़े तो हमें सरकार की बुराई भी, अगर सरकार हमारे विरुद्ध कोई कानून बना रही है या जनता के अकॉर्डिंग कानून नहीं बना रही है तो हमें सरकार की बुराई भी करने का अधिकार है। इन अगस्त 2005, ये अब जो हम इवेंट रीड करेंगे वो अगस्त 2005 में के बारे में है। व्हेन ए पार्टिकुलर गवर्नमेंट्स इंक्रीज द मनी पीपल हैव टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ जो जनता का इलेक्ट्रिसिटी का बिल था उसमें इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ावा कर दिया गया, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल को बढ़ा दिया गया था, जो चार्ज लिया जाता है लोगों से उसको बढ़ा दिया गया था। पीपल एक्सप्रेस दियर डिसअप्रूवल वेरी सारा, लोगों ने एक्सप्रेस किए, व्यक्त किए अपना जो डिसअप्रूवल, यानी कि उसको न माना, जो बिल बढ़ाया गया था उसको न माना, तीखे रूप से विरोध किया, सरकार के बढ़ाए हुए बिल का लोगों के द्वारा विरोध किया गया। दे टुक आउट रैलीज एंड आल्सो ऑर्गेनाइज ए सिग्नेचर कैंपेन, लोगों के द्वारा रैली निकाली गई, जुलूस निकाली गई और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हम यहाँ सिग्नेचर कैंपेन बोल सकते हो, हस्ताक्षर अभियान बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट्स ट्राई टू एक्सप्लेन, सरकार ने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, समझाने की, किसको, जनता को, एंड डिफेंड्स इट्स डिसीजन, बट और अपने डिसीजन को, अपने निर्णय को लोगों को समझाने की कोशिश की और उसको निर्णय के बचाव में, यानी कि जो डिसीजन लिया है अपने डिसीजन को बचाने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश की, बट फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन, लेकिन लास्ट में, फाइनल में लोगों के विचार को सुनना पड़ा। विड्रू द इंक्रीज, और जो
इंक्रीज की थी इलेक्ट्रिसिटी बिल में, उसको डिस्करेज किया, घटा दिया गया था। गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल्स, क्योंकि वह लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, लोगों के जरूरतों को ध्यान में रख के ही कार्य करते हैं। ये किसका वर्क है? गवर्नमेंट्स का वर्क है, लेकिन पार्टिसिपेट किसके द्वारा किया गया है? जनता के द्वारा। अगर जनता के लिए कोई कार्य है, जनता के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम उसका कई बार विरोध भी कर सकते हैं। व्हाट अप्रूवल और डिसअप्रूवल इज बीइंग एक्सप्रेस हियर, ये क्या अप्रूवल होता है कि लोगों के द्वारा किस काम को अपना अप्रूवल किया जाता है, अपना स्वीकार किया जाता है, और किसको अस्वीकार किया जाता है। लेटर टू एडिटर, ये न्यूज़पेपर के एडिटर को बैन पोस्टर्स, किस टाइप के पोस्टर को बैन किया जाता है? पोस्टर ऑन वॉल्स स्पॉइल द सिटी लुक्स, यानी कुछ ऐसे पोस्टर जो शहर की बड़ी बड़ी दीवारों पर लगाए जाते हैं। फर्दर मैनी टाइम्स पोस्टर आर पोस्ट ऑन इम्पोर्टेंट साइन बोर्ड एंड इवन रोड मैप्स, ऑल पोलिटिकल पार्टीज शुड अराइव एट ए कंसेशन ऑन बैनिंग पोस्टर ऑन वॉल्स। महेश कपासी दिल्ली, ये कई बार व्यक्तियों के द्वारा कि कोई पोस्टर होता है जो कहीं दीवार पे लगा दिया जाता है, तो उस पोस्टर के विरोध में कि शहर का कोई व्यक्ति अपनी दीवार की जो सुंदरता है उसको अगर कई बार पोस्टर के द्वारा ढक दिया जाता है, या कुछ उस पर कई बार गलत साइन बोर्ड को चिपका दिया जाता है, तो कई बार सड़क के आसपास जो जगह हैं उन पर भी चिपका दिया जाता है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या चाहिए कि इस तरह के पोस्टर्स पर रोक लगा देनी चाहिए। तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी। टेक एक्शन, यानी कि किस प्रकार एक्शन लेना चाहिए, किस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए। इट इज़ वरिंग टू नो दैट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, जो भारत के अंदर टाइगर पॉपुलेशन है उनकी जो जनसंख्या टाइगर्स की वो कम होती जा रही है। टाइगर आर बींग हंटेड एंड किल्ड बाई द पोचर्स फॉर देयर स्किन, यानी कि उनकी तपस्या के व्यापार के लिए उनका शिकार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और कुछ कई बार तो सरकार हैज नॉट टेकन द इश्यूज ऑफ द पोचिंग सीरियसली एनफ, यानी कि गंभीर रूप से सरकार इस पर कोई अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, कोई स्टेप नहीं उठा रही। इट मस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली, इसलिए सरकार को इमीडिएटली तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। अरेस्ट द पोचर्स, और ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जो टाइगर्स का शिकार करते हैं। इम्प्लीमेंट द लॉज प्रोटेस्टिंग द टाइगर, और जो कानून बनाए जाने चाहिए, लागू करने चाहिए, जो प्रोटेक्ट करें टाइगर को, सुरक्षित करने के, रखने के कुछ कानून बनाए जाने चाहिए। इफ दिस डज नॉट हैपन द टाइगर विल बिकम एन नेक्स्ट एनिमल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, आने वाले 10 ईयर के अंदर अगर टाइगर्स के लिए अच्छे रूल नहीं बनाए गए तो जो टाइगर है वो एक्सटिंक्ट एनिमल हो जाएंगे, लुप्त प्राणी घोषित हो जाएगा। तो ये असम के किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया था, कंप्लेन की गई थी न्यूज़पेपर के अंदर। गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन फ्लड विक्टिम्स, यानी कई बार क्या फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो लोगों के द्वारा डिमांड की जाती है कि जो हाँ पर फ्लड पीड़ित लोग रहते हैं वहाँ पर कुछ रियायतें हैं, मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग ऑफ द पीपल इन गवर्नमेंट्स वर्क्स। देर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस, कुछ दूसरे तरीके भी हैं जो जनता है एक्सप्रेस करती है देर व्यूज, अपने विचारों को, मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक, और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार कार्यवाही करनी चाहिए। वो सरकार को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्शन दे शुड टेक, किस प्रकार के एक्शन या कार्यवाही करनी चाहिए। दीज इंक्लूड धरना, जो जनता के द्वारा तरीके अपनाए जाते हैं उसमें कौन कौन से ये चीज इंक्लूड हैं, धरने पर बैठ जाते हैं कुछ पीपल्स, रैलीज करना, जुलूस निकालना, स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, सिग्नेचर कैंपेन, ये कुछ वेजीज हैं जिसके द्वारा सरकार के खिलाफ जनता कर सकती है। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड्स, यदि कुछ इस बातें इसमें गलत भी हो सकती हैं, अनजस्टिस भी हो सकती है, न्याय संगत नहीं होते हैं जो सरकार के द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे हैं जो अनफेयर हैं, अनजस्ट हैं, तो उन सब को सामने लाना, इनकी जनता को बताना कि ये काम आप सही नहीं कर रहे हैं, ये रैलीज के द्वारा, धरने के द्वारा, स्ट्राइक के द्वारा, लोगों के द्वारा सरकार को दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी आल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कशन गवर्नमेंट इश्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस प्रकार न्यूज़पेपर के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, टेलीविजन की जो न्यूज है, टीवी की जो न्यूज़ है, उनके द्वारा सरकार की जिम्मेदारियों पर
चर्चा करना, इन सब का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ताकि सरकार को जनता से रिलेटेड बातें बता सकें और जनता को सरकार से रिलेटेड जो काम जनता के लिए किए जा रहे हैं उनका पता लगाया जा सके या पता लग सके। ओके स्टूडेंट्स, व्हाइल इट इज ट्रू दैट ए डेमोक्रेसी, यह सच है कि लोकतंत्र में अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट, लोगों को पार्टिसिपेट करने की अनुमति है, परमिशन है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो, लेकिन ये भी सच है, ये भी सत्य है कि कुछ सेक्शन, कुछ वर्ग के लोगों को अभी भी वास्तव में भागीदारी का अर्थ नहीं पता है, यानी कि कुछ वर्गों के लोग, कुछ ग्रुप्स के लोगों को अभी भी सरकार के कार्यों में पार्टिसिपेट करने का मौका या अवसर नहीं मिल रहा है। अनदर वे, जो दूसरे तरीके हैं फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट्स एंड इट्स फंक्शनिंग। तो इस प्रकार कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ संस्थाएँ हैं जिसके थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं वो, सोशल मूवमेंट्स हैं जो सामाजिक आंदोलन हैं, उनके द्वारा चैलेंज किया जाता है सरकार के कुछ कार्यों को, इट्स फंक्शनिंग। सरकार अगर कुछ कानून बना रही है रोज अकॉर्डिंग टू पीपल्स नहीं है, तो उस लॉज को चैलेंज दिया जा सकता है, या सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो जनता के लिए सही नहीं है, जनता के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे कार्यों के खिलाफ चैलेंज या चुनौती किसके द्वारा दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या सोशल मूवमेंट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा सरकार के कुछ कार्यों को चुनौतियां दी जा सकती हैं। मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज यहाँ है जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, कम जनसंख्या वाले ग्रुप्स को माइनॉरिटी कम्युनिटीज कहा जाता है, जिनमें दलित, आदिवासी, वुमेन्स एंड अदर आर ओपन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर्स। इस प्रकार जिसमें महिलाएं भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित लोग भी हैं और अन्य लोगों की भागीदारी इन सोशल मोमेंट्स के द्वारा ही पॉसिबल हो सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे जनता, पीपल सरकार के कामों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इफ ए कंट्री पीपल आर अलर्ट, अगर एक देश के लोग जागरूक हैं, अलर्ट हैं, सजग हैं, इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्री इज रन, कि और इस बात में रुचि रखते हैं कि सरकार कैसे चलाई जा रही है, या सरकार के द्वारा हमारे देश को कैसे चलाया जा रहा है, द डेमोक्रेटिक करेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रोंगर। अगर इस प्रकार हम अलर्ट रहेंगे या सरकार के कार्यों में इंटरेस्ट लेंगे, तो हमारे जो लोकतंत्र की विशेषता है या लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, यह हमारी सरकार, हमारे देश की सरकार को हम और भी मजबूत बना सकते हैं, ताकि वो जनता के डिजायर को, जनता के इंटरेस्ट को और ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान देकर उन पर अच्छी तरह से कानून बनाए या उनको लागू करे। शो द नेक्स्ट टाइम वी सी ए रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आवर सिटी एंड टाउन और विलेज, वी शुड टू फाइंड आउट वट द रैली इज अबाउट, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड वट दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट, दिस विल हेल्प टू गिव अस ए सीन ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट्स वर्क। अगर आने वाले टाइम में, नेक्स्ट टाइम, कभी भी इन फ्यूचर आपको कहीं रैली दिखाई देती है, जुलूस दिखाई देता है आपकी गली में, आपके शहर, कस्बे या गाँव की किसी गली में लोग जुलूस निकालते हुए जा रहे हैं, तो ऐसे उस जुलूस के लोगों को रोक कर आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि ये आप जुलूस क्यों कर रहे हैं, किस रीज़न से कर रहे हैं, आप किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इन सब बातों की जानकारी से आपको क्या मदद मिलेगी, कि आपको पता चलेगा कि सरकार के किस काम के प्रति लोगों को गुस्सा है या किस बात को वो अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। नीड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो प्रॉब्लम है उनको किस प्रकार से क्या किया जाए, रिसोल्व किया जाए, किस प्रकार उनको समाधान किया जाए, कौन सी प्रॉब्लम, जनता के प्रॉब्लम्स को सरकार के द्वारा कैसे दूर किया जाए। इन माया स्टोरी, जो हमने माया की स्टोरी रीड की है साउथ अफ्रीका की, यू रीड अबाउट हाउ कन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। तो यहाँ जो साउथ अफ्रीका की जो है फर्स्ट ग्रुप,
एंड सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप अपने आपको क्या बता रहा है, पावरफुल बता रहा है, तो जो सेकेंड ग्रुप है इसको कम पावरफुल है, तो वो इस पर अपनी बातें मनवाने के लिए जबरदस्ती यानी फोर्सफुली अपने रूल को लागू करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे क्या होगी, लोगों की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इस पर अगर कोई फोर्सफुली एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अपनी पावर्स को अपने रूल्स को लागू करने की कोशिश करेगा तो इस प्रकार लोगों को प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये माया की स्टोरी में हम देख चुके हैं, जो व्हाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल पर कैसे अपना कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे थे, और सारे जो रूल थे अकॉर्डिंग टू व्हाइट पीपल के बनाए जाते थे और लागू किस पर किए जाते थे, ब्लैक पीपल पर लागू किए जाते थे। तो कन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, तो प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब लोग क्या होते हैं, डिफरेंट कल्चर के, अलग संस्कृति के होते हैं, रिलीजियस के होते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं, रीजन्स अलग अलग एरिया के होते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग होता है, डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर, तो इस प्रकार एक दूसरे के साथ रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनमें से कुछ लोगों को यह महसूस होने लगे कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि कुछ लोगों को तो अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है सरकार के द्वारा और कुछ लोगों की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं दी जा रही, तो इस प्रकार लोगों के अंदर क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेटेड हो जाते हैं। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स, कई बार लोगों के द्वारा कुछ इंशा वाले इंशा का प्रयोग किया जाता है, इंशा यानी कि जैसे टू सेटल देयर डिफरेंस, यानी कि अपने जो डिफरेंसेज हैं भेदभाव को दूर करने के लिए हिंसा का यूज किया जाता है, हिंसा का प्रयोग किया जाता है। दीज लीड्स टू फियर्स एंड टेंशन अमंग द लिविंग इन एरिया, तो यस इस प्रकार जो एरिया के दूसरे लोग हैं वो भी डर में होते हैं और उसे क्या है, टेंशन में हो जाते हैं। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिसोल्व कंफ्लिक्ट, इस प्रकार अगर कंट्री के अंदर या किसी एरिया के अंदर टू ग्रुप्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो उस डिफिकल्टी को दूर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार के द्वारा यह कदम उठाए जाएं कि जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कम किया जाए। लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिसोल्विंग देम, अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाता है सरकार के द्वारा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिस रूल ऑफ लॉ दैट हैव द फॉलो बाय एवरीवन, हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो रूल्स लिखे गए हैं, संविधान में जो रूल लिखे गए हैं, जो कानून लिखे गए हैं, वो सभी व्यक्तियों के द्वारा, एवरी सिटीजन के द्वारा उन रूल को फॉलो करना जरूरी है। दीज लॉज आर फॉर बोथ गवर्नमेंट्स, ये कानून सरकार के लिए भी है और ये जनता के लिए भी है। कंफ्लिक्ट एंड डिफरेंस, जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भेदभाव है, हैव टू बी रिसोल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टीज है, सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, इन कानूनों के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। वी विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर क्लासेस, को हम आने वाली नेक्स्ट क्लासेज में अच्छी तरह से रीड करेंगे। रिलीजियस प्रोसेक्शन, धार्मिक जुलूस, इसको क्या बोलेंगे, धार्मिक जुलूस, जो धर्म के आधार पर लोग अपना इक्वेलिटी के लिए कई बार जुलूस निकालते हैं। एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम लीड टू कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि एक धर्म के लोग अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इससे दूसरे त्यौहार रिलीजन के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस प्रकार वन रिलीजन ग्रुप और सेकेंड रिलीजन ग्रुप के अंदर कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जो हमारी मोस्टली सोसाइटी में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूट ए प्रोसेशन टेक्स मे लीड टू ए कन्फ्लिक्ट, यानी कि एक रिलीजियस प्रोसेशन इस एक रास्ते से जा रहा है और वहाँ पर दूसरे रिलीजियस के पीपल रह रहे हैं तो उनके द्वारा उसका कई बार विरोध किया जाता है, उस जो धर्म के द्वारा, एक धर्म के द्वारा जो जुलूस निकाले जा रहे हैं दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। द गवर्नमेंट पार्टिकुलरली द पुलिस, यानी कि जो सरकार है हमारी, मुख्य रूप से जो पुलिस है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटी टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट ए सोल्यूशन, तो अगर इस टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाती है टू ग्रुप के बीच में तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, पुलिस प्ले करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो
पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन किसी भी कम्युनिटीज के हैं, किसी भी समुदाय के हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए, उनको आपस में मिलाने का काम किया जाए, ट्राई एंड अराइव एट ए सोल्यूशन, और सोल्यूशन यानी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए। एट टाइम देर ए फियर, उस समय यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स, यानी कि लोग ज्यादा हिंसात्मक हो जाते हैं और वन ग्रुप सेकंड ग्रुप पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन, जुलूस को डिस्टर्ब करने के लिए, जुलूस को बंद रुकवाने के लिए। पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। तो इस प्रकार पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वायलेंस, जो हिंसा है वो ज्यादा न बढ़े, ज्यादा दूर तक ना फैले। रिवर टू कैन ए बिकम सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। तो फर्स्ट तो क्या है, रिलीजन्स, ये कई सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है हमारी, फर्स्ट इज रिलीजन, सेकंड प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, रिवर्स स्टेट्स के बीच में। ये तो था फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप थे। अब कई प्रॉब्लम है जो क्रिएट होती है वो रिवर्स के वाटर को लेकर। कैन बिकेम ए सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, टू स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम आती है। रिवर में बिगन वन स्टेट, जैसे कि एक रिवर एक स्टेट से शुरू होती है, फ्लो थ्रू और सेकंड में बहती हुई थर्ड में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार एक स्टेट, दो स्टेट, थ्री स्टेट से बहती हुई रिवर आगे फॉरवर्ड होती रहती है, अनोदर एंड इन ए थर्ड, यानी कि दूसरे से बहती हुई तीसरे में पहुंच जाती है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एंड इश्यूज ऑफ। इस प्रकार जो रिवर का पानी है टू डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, दो अलग अलग राज्यों के बीच में एक प्रॉब्लम का कारण मामला बन जाती है, यानी कि टेंशन का मामला बन जाती है, मुद्दा बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हियर्ड, आपने सुना भी होगा, द कावेरी रिवर, जो कावेरी रिवर वाटर है, डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो कावेरी रिवर को लेकर एक हमेशा इश्यू होता रहता है कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट के बीच में। तो यहाँ आपने कर्नाटका और तमिलनाडु को ध्यान से मैप पर देख लेना है कि वाटर स्टोर इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य है कर्नाटका के अंदर कावेरी रिवर पर डैम बनाया गया जिसका नाम है कृष्ण राजा सागर, एंड यूज फॉर इरीगेशन, फसलों को पानी देने के लिए यूज किया जाता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलग, जो कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। बेंगलुरु जो कर्नाटका की क्या है, कैपिटल है, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पानी का प्रयोग किया जाता है। द वाटर स्टोर इन मेट्टूर डैम, मेट्टूर डैम इन तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखना बेटा, कर्नाटका के अंदर जो कावेरी रिवर पर डैम बनाया वो कृष्णा राजा सागर है, और तमिलनाडु में जो डैम बनाया है वो मेट्टूर डैम है, क्या कावेरी रिवर पर ही है। इज यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो डेल्टा क्षेत्र है तमिलनाडु का, तो वहाँ पर फसलें उगाने के लिए मेट्टूर डैम का जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। एंड ए कन्फ्लिक्ट अराइज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि जो दोनों डैम बांध बनाए गए हैं वो एक ही नदी पर, कावेरी रिवर पर बनाए गए हैं। डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु, यानी कि जो निचला छोर है जो नीचे का पार्ट है वो तमिलनाडु में है, तो और जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर है, वो कर्नाटका के अंदर है। तो कर्नाटका में जब पानी बहता बहता हुआ नीचे तमिलनाडु में, तो यहाँ डैम बना लिया गया है, तो पानी ज्यादा यहाँ रोका गया है, तो नीचे आते आते वो पानी कम हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों स्टेट में, तमिलनाडु और कर्नाटका में प्रॉब्लम चलती रहती है। तो तमिलनाडु कैन ओनली फीड अप इफ वाटर इट रिलीज, तो तमिलनाडु में पानी को तभी यूज किया जाता है जब कर्नाटका के द्वारा पानी रिलीज किया जाता है, नहर के अंदर पानी को छोड़ा जाता है। देयरफॉर बोथ स्टेट कैन नॉट गेट ए मच वाटर एज दे नीड फॉर पीपल, यानी कि दोनों स्टेट्स को उतना पानी नहीं मिल पाता है जितने पानी की जरूरत वहाँ के लोगों को है। दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उसके द्वारा इसके लिए कुछ स्टेप उठाए जाने चाहिए। एंड द सी दैट ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये देखना चाहिए कि किस प्रकार दोनों स्टेट्स के अंदर अच्छी तरह से पानी का बंटवारा किया जाए। वर्क आउट फॉर बोथ स्टेट, दोनों राज्यों के लिए पानी कितनी मात्रा में यूज किया जाए, ये मात्रा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा तय की जानी चाहिए। ऐसे ही हमारे जो हरियाणा और पंजाब में है, सतलुज रिवर के वाटर को लेकर भी प्रॉब्लम होती रहती है। ऐसे ही
जो हमारा ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के जो इंडस रिवर है उस इंडस रिवर पर भी कई बार प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम टू स्टेट थ्री स्टेट के बीच में भी हो सकती हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस कावेरी रिवर्स, ये क्वाइट फ्लो द कावेरी डिस्पाइट बिंग द सेंटर ऑफ द हीटेड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट फॉर लास्ट 30 ईयर, यानी कि पिछले 30 सालों से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो कावेरी रिवर है वो अपनी आराम से बह रही है, लेकिन फिर भी दो स्टेट इसके पानी को लेकर हमेशा झगड़ते रहते हैं। इक्वेलिटी एंड जस्टिस, वन ऑफ द की आइडियाज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटमेंट इक्वेलिटी एंड जस्टिस, ये सबसे एक महत्वपूर्ण विचार है, जो क्या है, समानता एंड न्याय, इक्वेलिटी एंड जस्टिस, समानता एंड न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के जो मेन आइडियाज हैं उनमें से मुख्य आइडियाज विचार हैं इक्वेलिटी और जस्टिस। कमिटमेंट की जाती है सरकार के द्वारा, वचनबद्ध होना पड़ता है कि इक्वेलिटी और जस्टिस लोगों के अंदर होना जरूरी है, सभी लोगों को इक्वल राइट मिलने चाहिए, सभी के साथ एक जैसा न्याय होना चाहिए, इक्वेलिटी एंड जस्टिस फॉर इंस्पायरेबल। तो ये क्या है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, जहां पर इक्वेलिटी होगी वहीं पर न्याय होगा, जहां पर इक्वेलिटी नहीं होगी वहां पर न्याय नहीं होगा। तो इस पर हमने माया की स्टोरी में गवर्नमेंट्स किस प्रकार लोगों के इक्वेलिटी वहाँ व्यवहार नहीं किया जा रहा था, ऐसे भीमराव अंबेडकर की स्टोरी हमने पीछे रीड की थी पिछले चैप्टर में, तो उससे भी क्या था, जो अनटचेबिलिटी थी उसके कानून के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटीज, आज के टाइम में अनटचेबिलिटीज को बैन कर दिया गया, बिल्कुल रोक लगा दी गई है, किसके द्वारा, बाय लॉ, कानून के द्वारा। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, जो इस ग्रुप के लोग थे जो अनटचेबल ग्रुप में आते थे, उन लोगों को ना तो एजुकेशन का राइट मिल रहा था, ना ट्रांसपोर्ट के राइट थे, ना मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही थी, इवन द चांस ऑफ ऑफर प्रेयर, यानी कि उनको मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का भी अधिकार नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर, होम यू हैव रीड अबाउट अर्लियर इन दिस बुक, इस बुक के अंदर हम रीड कर चुके हैं, मैनी अदर लाइक हिम रियलाइज दैट सच प्रैक्टिस मस्ट नॉट कंटिन्यू, यानी कि दूसरे और जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके द्वारा भी इस बात को रियलाइज किया गया कि ये इस प्रकार के जो प्रैक्टिस हैं, व्यवहार हैं, वो आगे कंटिन्यू नहीं रहने चाहिए, उन पर बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। जस्टिस कैन ओनली बी अचीव व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, हम जस्टिस को तभी लागू कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, जब तक लोगों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट नहीं होगा, एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, तब तक हम इक्वलिटी को या फिर जस्टिस को नहीं लागू कर सकते। गवर्नमेंट्स आल्सो रिकग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी एंड आर अनइक्वल, तो कुछ समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी असमानता की, अब भी असमानता का व्यवहार हो रहा है, तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए, कुछ ऐसी प्रोविजन लागू किए जाने चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को राइट मिल सके, इक्वलिटी का राइट दिया जा सके। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पर, इन आवर सोसाइटी देयर इज ए जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉयज चाइल्ड एंड मोर देन ए गर्ल्स चाइल्ड, जैसे हमारे समाज के अंदर अब भी लोगों की टेंडेंसी क्या है कि जो केयर करने की जरूरत है वो बॉय चाइल्ड को ज़्यादा ज़्यादा केयर की जाती है, आज हमारे समाज में गर्ल चाइल्ड के बजाय, यानी कि लड़कियों की ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, लड़कों को ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। दिस मीन दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल्स एंड बॉय चाइल्ड इक्वली, आज भी हमारे समाज में लड़की और लड़कियों की जो वैल्यू है इक्वल नहीं मानी जा रही है, दिस इज अनजस्ट, जो लड़कियों के लिए अन्याय है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इन प्रोमोट जस्टिस, इसलिए सरकार के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाने चाहिए ताकि न्याय को प्रोमोट किया जाए, न्याय को बढ़ावा दिया जाए, बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन, यानी कि गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाए, कुछ सुविधा दी जानी चाहिए, दैट कैन एनेबल्स गर्ल टू ओवरकम द इनजस्टिस, ताकि लड़कियों को असमानता के व्यवहार से क्या दिलवाया जाए, छुटकारा दिलवाया जाए, लोग लड़कियों के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जाए। दैट दे आर सब्जेक्टेड टू, थस इट इज पॉसिबल दैट फी और गर्ल्स माइट बी वेव्ड और लॉयर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज, ये इस प्रकार पॉसिबल हो सकता है कि जो पुअर्स गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं या सभी गर्ल्स हैं, उनकी जो फीस कम की जाए या उनके लिए स्पेशल स्कूल और कॉलेज ओपन किए जाए, उनकी जो फैसिलिटीज हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो सरकार के द्वारा उनको दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार
कुछ लेडीज के राइट दिलवाने के लिए, कुछ गर्ल्स को स्कूल में भेजवाने के लिए, तो कुछ ऐसे तरीकों को अपनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा जिससे लड़कियों के भी जेंट्स के इक्वल अधिकार मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को